मेरे साथ मुझे भारत माता की क्यों भाई सवाई माधोपुर वाले की आवाज ऐसे आएगी क्या? मोदी जी तेलंगाना में है, अरे बंद लो, अरे सुनो जरा सुनो, दाढ़ी वाले ये दाढ़ी वाले इसको जरा नीचे उतारो भाई काले शर्ट वाले को। मेरे साथ इतनी जोर से बोलिए कि मोदी जी तेलंगाना में है, तेलंगाना तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मिट्टी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई वहां राइट दरवाजे पर पुलिस वाले सबको आने दो, आगे जरा हट जाओ भाई, जनता को आगे आ जाने दो, सबको आ जाओ, सारे लोग अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सब लोग सारे लोगों को अंदर आने दो। चलो बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित यूपी से यहां आए हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद जैन जी, जिला के प्रभारी श्री मनीक पारिक जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, श्री कुंजीलाल मीणा जी, यहाँ की विधायक राजकुमारी दिया कुमारी जी, गंगापुर के बस्तिया जी श्रीमान मान सिंह गुर्जर जी, भंडार के प्रत्याशी जितेंद्र गोडवाल जी, सवाई माधोपुर की प्रत्याशी बहन आशा मीणा जी, मामनवास के प्रत्याशी श्री राजेंद्र मीणा जी, केंद्रीय प्रवासी श्री जयप्रीत राणा जी, श्री कमलजीत सिंह शुक्ल जी, और आज सवाई माधोपुर की विराट सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों समय बहुत कम है मगर मुझे सवाई माधोपुर में जरा भी डर नहीं है, क्योंकि जिनमें अकल होती है इसमें इशारा ही काफी होता है। सवाई माधोपुर में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इशारा करने से ही सवाई माधोपुर वाले अच्छा फैसला करने वाले। मित्रों आने वाले दिनों में 7 तारीख को राजस्थान की जनता को तय करना है कि अगले 5 साल तक राजस्थान में किस पार्टी की सरकार होगी, किस व्यक्ति की सरकार। लोग खेमे पड़ चुके हैं, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली की तरह खड़ी, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में जिनका न नेता है न नीति है न सिद्धांत है, ऐसे कांग्रेसियों की टोली खड़ी। आप मुझे बताओ सवाई माधोपुर वालों 7 तारीख को क्या फैसला करने वाले हो, जरा बताओ तो जोर से बोलो क्या करोगे, और जोर से बोलो क्या करोगे। मैं जयपुर जाकर आया, बूंदी जाकर आया, बीकानेर जाकर आया, उदयपुर जाकर आया, प्रतापगढ़ जाकर आया, राजस्थान के कोने कोने में जाकर आया, सब जगह से यही जवाब आता है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे अभी सुबह, मीडिया वाले पूछ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है,
मेरा मीडिया वालों को एक ही निवेदन है कि मंच पर से जरा भीड़ देख लीजिए तो सवाई माधोपुर में क्या होने वाला है। मालूम तो यहाँ पर हमारे सारे प्रत्याशी खड़े हैं, राजकुमारी लिया कुमारी जी भी खड़ी है। मैं एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि लिया कुमारी जी को पार्टी ने सामने से फोन करकर दो बार कहा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी से भी मैंने फोन कराया, मगर उन्होंने कहा एक बार सवाई माधोपुर की सेवा करी है, इस बार मैं कार्यकर्ता बनकर पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करूंगी। मैं दिया कुमारी जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिस स्पीड से उन्होंने इस चुनाव में आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को उठाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अच्छे लक्षण है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के। आज कांग्रेस के पास कुछ पूछने को नहीं है। अभी मुझे बेंगलुरु से मैं मध्य प्रदेश आ रहा था, विमान थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा समय में वेटिंग रूम में गया, टीवी चालू करा तो सामने राहुल बाबा दिखा। क्यों भाई क्यों हंस रहे हो? राहुल बाबा कह रहे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने सबसे पहले टीवी पर देखा दिन है या रात है, अब दिन ही था, स्वप्न देखना भैया अच्छी बात है मगर दिन दहाड़े देखते हैं क्या बताओ, देखते हैं। ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के अंदर चुनावी इतिहास में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूँ राहुल बाबा को, सवाई माधोपुर वाले मेरे साथ बोलेंगे क्या? भाई जोर से बोलो, बोलेंगे क्या? देखिए सबसे पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कांग्रेस गई भाजपा ही, जोर से बोलो क्या हुआ? दूसरा चुनाव हुआ है हरियाणा में, कांग्रेस गई, जोर से बोलो यार, जोर से युवा हो कैसे बोलते क्या? दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई, छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवा चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई, आठवा चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई, नौवा चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई, दसवा चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई, ग्यारहवा चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई, बारहवा चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, तेरहवा चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा, चौदहवा चुनाव गोवा में फिर से भाजपा, अब राजस्थान में बताओ भला क्या होगा? जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुनाई पड़ना चाहिए, क्या होगा राजस्थान में? मित्रों इनको मालूम ही नहीं है देश में क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़े ऐसी स्थिति आ गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक के बाद एक 19 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का फगवा लहरा रहा है मित्रों, 19 राज्यों में, देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं 70%। और राहुल बाबा तो यहां सरकार बनाने के लिए अपना, राहुल बाबा राजस्थान में भाजपा की सरकार अंगद का पांव है, इसको कोई हिला नहीं सकता। विजय कांग्रेस पार्टी उनके भाषण सुनिए, उनके भाषणों के अंदर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मुझे तो कई बार मालूम पड़ता है, कई बार सवाल होते हैं
कि राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या मेरी पार्टी का प्रचार। हमसे ज्यादा मोदी जी का नाम राहुल जी दे रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी पूछती है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए क्या किया। हमें उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है भाई। मैं राहुल बाबा को कोई जवाब देना नहीं चाहता, मगर सवाई माधोपुर की जो जनता है ना, ये हमारी माई बाप है, माई बाप है, मालिक है। मैं सवाई माधोपुर की जनता को जवाब देने आया हूं। देश में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, राजस्थान को 13वें वित्त आयोग में क्या दिया? 1,09,242 करोड़। कितना दिया भाई? मैं फिर से बोलता हूँ, 1,09,242। 1,09,242 करोड़। बोलो जरा। अब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी, भाजपा की सरकार बना दी, भाजपा की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, मोदी जी ने 1,09,000 से बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया। और ये हमें सवाल पूछते हैं, 2,63,000 के अलावे 36,000 करोड़ रुपया हमने और देने का काम करा और 36,000 करोड़ रुपया की रिफाइनरी करवा दी। 3,75,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए दिया। इसके अलावे मित्रों, हर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक योजना लेकर आई, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, शहर के लिए, एक योजना, 129 योजना। मेरे हेलीकॉप्टर को जाने का टाइम हो गया, समय नहीं है, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर, मैं जोर से पढ़ूंगा। आपको लगे मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं तो ताली बजाकर रोक देना, ठीक है? पढ़ू जोर से तो ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भाई, अभी 12 हुए, 12 में अब थके मोदी जी नहीं थके हैं, नरेंद्र मोदी आए। और राहुल बाबा, 55 साल तक आपके परिवार ने शासन किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, आपने राजस्थान के लिए किया। ये वसुंधरा जी की सरकार आई, उसके पहले मुझे बताओ सवाई माधोपुर वाला गांव में 24 घंटा बिजली आती थी क्या? जरा जोर से बोलो, आती थी क्या? सहज अंधेरा हो जाए, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो हाथ खिचड़ी में पड़ेगा या कड़ी में मालूम नहीं पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गांव में विकास पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी सरकार, और हमें सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम किया है। तो देश को सुरक्षित 10 साल तक इमामी बाबा मनमोहन सिंह का शासन था, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया सब घुस कर आते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। मोदी जी का शासन आ गया, पाकिस्तान वालों को लगा कि मौनी बाबा का ही शासन चल रहा है, पूरी में आतंकवादी भेज दिए, अपने 12 जवानों को जिंदा जला दिया, 12 जवान। तो सब देश में, सब जगह एक प्रकार से हताशा निराशा, ये अब क्या हो, मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। मगर मित्रों, इस बार मौनी बाबा का शासन नहीं था, नरेंद्र मोदी का शासन, इस बार कांग्रेस का शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, रात को 12 बजे रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर
पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का खून का बदला लेकर। अरे राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं। अरे राहुल बाबा आपको क्या मालूम, कोई जवान जब शहीद होता है इसकी विधवा का सिंदूर पोछा जाता है, इसका दर्द आपको क्या मालूम। उसकी छोटी बेटी अनाथ हो जाती है, आपको इसका दर्द क्या मालूम। इसकी बहन के राखी बंधाने वाला हाथ नहीं रहता है, आपको उनका दर्द मालूम नहीं है। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा जड़ा है, आपको शहीदों का दर्द मालूम नहीं रहा होगा। आपको लगता है क्या हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ सवाई माधोपुर वालों, सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले ये पूरी दुनिया में दो ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों के खून का बदला देते, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। जिस दिन भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त करी, नरेंद्र मोदी जी ने दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का भी होगा। कांग्रेस वाले क्या जाने कि शहीद का दर्द क्या। अभी अभी बीकानेर में उनका एक प्रत्याशी मित्रों पर्चा डालने जाता था और पर्चा डालते वक्त उसके एक साथी ने बोल दिया भारत माता की जय। तुरंत उसने मुंह पर हाथ रखकर बुलाया, कान में कुछ कहा और वो पूरा कांग्रेसी हो गया। वहां बोला सोनिया गांधी की जय। अरे डूब पड़ो कांग्रेसियों, भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है तो चुल्लू पर पानी लेकर उसमें डूब मरो। भारत माता की जय अगर नहीं बोल सकते हो तो आप इस देश के साथ जुड़ नहीं सकते। हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर हमारे देह में प्राण नहीं भी रहा, देह निष्प्राण होकर जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आएगा और भारत माता की जय बोलेगा तो दो क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा। उसके साथ में हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए कांग्रेस पार्टी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। राजस्थान को उन्होंने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको विकसित राज्य बनाया और एक 5 साल आशीर्वाद दीजिए सवाई माधोपुर वालों, विकसित राजस्थान को हम देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाना चाहते हैं, सबसे समृद्ध। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर विकास की बहार आने वाली, हमें आपके आशीर्वाद की, आपके समर्थन की, आपके जुस्से की, आपके जज्बे की जरूरत है। मुझे बताओ राजस्थान वालों, सवाई माधोपुर वालों, बताओ जरा जोर से, 7 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? बताओ दबाओगे क्या? भाजपा को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाओगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? यहाँ भाजपा सरकार बनाओगे? 19 में मोदी सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प का मुट्ठी भींच कर बोलिए भारत।